दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है बॉलीवुड के मशहूर गायक सबीर कुमार साहब ने अभिनेता हबीब साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। यूँ तो ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि सबीर कुमार साहब ने हबीब साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी है और उस गीत को सबीर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी है और सबीर कुमार साहब ने हबीब साहब के लिए अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि कौन सी फिल्म है जिसमें सबीर कुमार साहब ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हबीब साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सन 1984 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम है बैड और बदनाम और ये फिल्म जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार साहब की पिक्चराइज फिल्म है और इस फिल्म में एक गीत था, गीत के बोल हैं खालो पीलो हंसलो दिल वालो मौज कर लो और इस बहुत ही खूबसूरत गीत को सबीर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी और ये गीत जो है वो पिक्चराइज हुआ अनिता राज जी, हबीब साहब और लीना दास जी पर और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत परेलाल जी ने दिया और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने दिया और ये गीत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस गीत को सबीर कुमार साहब ने अभिनेता हबीब साहब के लिए अपनी आवाज़ दी है। तो आज दोस्तों इस बहुत ही खूबसूरत गीत को सुनते हैं। और लता मंगेशकर जी के गीत के बोल यहाँ से हैं। तो दोस्तों, यही सबीर कुमार साहब का गाया हुआ एकमात्र ऐसा गीत है जिसे अभिनेता हबीब साहब के लिए अपनी आवाज़ दी है और ये बस एक ही फिल्म है जिसमें सबीर कुमार साहब ने हबीब साहब के लिए अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों, आप लोगों को 1984 की फिल्म बैड और बदनाम का ये बहुत ही खूबसूरत गीत जो है वो सबीर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे पूरा उम्मीद है ये गीत जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, और ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।